चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं फटाफट गोल्ड के ऊपर क्या हो सकता है। सिल्वर का वीडियो जो है वो आ चुका होगा, तो वो भी जरूर जाके देख लीजिएगा, हमारे चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा। तो गोल्ड के लिए सपोर्ट रहेगा दोस्तों 55,000, दोस्तों 55,200 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल गोल्ड नीचे की तरफ काट देता है, नीचे की तरफ क्लोजिंग करता है, और या तो फिर इंट्राडे की चर्चा करें तो 2-3 घंटे अगर ये लेवल के नीचे रुकता है तो फिर यहाँ से ये गिरावट, ये गोल्ड की जो तबाही आप देख रहे हो वो और बढ़ेगी। और ये तबाही की चर्चा जो है वो हमने करी थी, आपको याद होगा दोस्तों, लेवल भी हमने बात करी थी 56,700 के आसपास, और वहाँ से लगभग 1200 पॉइंट का कट भी आपने जो है वो देख लिया है। तो 55,200 इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट वीक ये लेवल काटता है 54,900, उसके नीचे चलते 54,600 फाइनल रहेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फाइनल लेवल अगर टूटता है, क्लोजिंग भी नीचे करता है, तो ये गिरावट और बढ़ेगी। और 54,350, 54,050 और 53,500, 53,000 के लेवल जो है वो भी गोल्ड के अंदर देखने को मिल सकते हैं, अगर लगातार नीचे की तरफ रुकते हैं तो की चर्चा है। तो आप जो है वो दोस्तों थोड़ा सा सतर्क रहिए, ठीक है। आप बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर। उससे पहले अगर आपको फ़ायदा होता हो दोस्तों हमारे वीडियो से, तो वीडियो की कमेंट में ज़रूर लिखिए दोस्तों, जगाने वाले लेवल। बेनिफिट होता हो तो लाइक करें दोस्तों, आपके लाइक से मुझे भी हौसला अफजाई होती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रेजिस्टेंस के ऊपर, और आप भी अगर ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखना चाहो, मेरी इंट्राडे की ट्रिक देखना चाहो, बहुत सारे दोस्त जो को मन में सवाल होता होगा कि कैसे जो है वो हम ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करें, कैसे जो है वो ये सारी चीज़ें ढूंढे, तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो लिंक ओपन करके आप इसको समझ सकते हो, सीख सकते हो। रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों 55,625, अगर ये लेवल ऊपर की तरफ काटता है पहले और लगातार 1-2-3 घंटे रुकता है, तो फिर हमें शॉर्ट से बचना चाहिए, फिर ये ऊपर की तरफ जा सकता है। तो 55,900 इम्पोर्टेंट है, 56,250 फाइनल है, उसके ऊपर चलते 56,500, 56,850, 57,300-400 के ऊपर जाएगा अगर 56,850 के ऊपर रुकते हैं तो। तो सोने में शेर की सवारी जैसा माहौल है दोस्तों। 55,200 नीचे की तरफ काटता है तो गिरावट बढ़ेगी और तेज होगी, और 56,625, 55,625 उसके ऊपर जाके रुकते हैं तो फिर तेजी होगी। ये वाली जो रेंज है 55,625 से 55,200, इसके अंदर अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो फायदा होगा, तो फिर आपके लिए जो है वो बेनिफिट होगा। और अगर नीचे शॉर्ट करते हो तो अपना स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगाना दोस्तों, ऊपर जो भी आपकी कैपेसिटी है, रेजिस्टेंस को भी आप एज अ पेपर ट्रेड आप रेजिस्टेंस को भी जो है वो स्टॉप लॉस मान सकते हो, और अगर ऊपर की तरफ जाता है तो सपोर्ट को जो है वो आप स्टॉप लॉस मान सकते हो, ठीक है। ऐसे जो है वो ये लेवल को पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए। तो ये रहे दोस्तों अगले वीक के लिए लेवल। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, पहली बार आए तो सब्सक्राइब करते जाए, और कमेंट में ज़रूर लिखिए दोस्तों जगाने वाले लेवल। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ये अपना ट्रेड करो दोस्तों, उससे पहले अपने एडवाइजर की एक बार सलाह जरूर ले लीजिएगा। धन्यवाद।